मैं आज अपनी खास तौर पर अपनी फौज का खास तौर पर उनका इसलिए शुक्रिया उनका अदा करता हूं, अल्लाह का शुक्र करता हूं कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है, क्योंकि जब वो फैसला करना था, और बड़ा एक जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की उनके जहाज ने, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो जो हमें कॉन्फिडेंस हो कि यह हमें सिक्योरिटी देगी, तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, सात गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेगा, हमारी अवाम क्या करेगी। तो उधर एहसास होता है अपनी फौज का। और फिर मुझे ये इन तीन सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, देखिए मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी किया, कोई भी इदारा है, अदली है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं, लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए और फौज के पीछे पड़ जाए। और फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दें, या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। तो इसलिए जो उन्होंने तनकीद की, और बाहर जो पूरी, हमें पता है कि हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश में है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला क्या है, उसके पीछे पड़े। अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरा जोर लगाया हुआ है कि जी ये तालिबान सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान की फौज की वजह से, और पूरी कैंपेन चली हुई है हमारी फौज को डिस्क्रेडिट, और अब से नहीं, देर से चल रही है, और यहां बैठे हुए लोग पूरा उन्होंने महाज बनाया हुआ है फौज के खिलाफ। और मैं ये आपको कहता हूं कि मुझे असल, मैंने वैल्यू किया अपनी फौज को जब वो पुलवामा हुआ, कि हमें एक कॉन्फिडेंस था, इसलिए हम दिलेरी से उनको कह सकते थे, नरेंद्र मोदी को, कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें वापस जवाब देंगे। अगर हमारी फौज अगर ना होता ये, तो खुद सोच ले कि मैंने पता नहीं क्या मुश्किल वक्त गुजरना था। अच्छा, उसके बाद कोरोना हो गया। अब कोरोना के अंदर आप लोगों को पूरी तरह अंदाजा नहीं है कि वो कितना हमारे लिए मुश्किल वक्त था। एक मिनट, बस एक, अब आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, ओके? साथ वालों ने पकड़ के उसको बाहर निकाल देना अगर किया। अच्छा सुने सर, देखें मुश्किल क्या था, हम देख रहे थे बाहर, वहां जनाब स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वो उनके हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लोग सड़कों पे हैं, उनके यानी जो मुल्क जिनके पास हमारे से 30-30, 40-40 गुना बड़ा जीडीपी था, दौलत थी, वहां हम हालात देख रहे थे, और वो सारों ने लॉकडाउन किया हुआ था। फिर उधर से देखा जी नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन कर दिया, तो सारों ने हमें प्रेशर डाला कि आप भी लॉकडाउन करें, और वो बहुत मुश्किल वक्त था। हां, लॉकडाउन तो करना चाहिए कि अगर आपकी ये बीमारी फैल रही है, हमें पता है कि लॉकडाउन से वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है, फैलती कम है, लेकिन साथ कि हमारे वो लोग जो दिहाड़ीदार थे, जो गरीब लोग थे, जो दिन को पैसा बना के बच्चों को खिलाते थे, तो उनका क्या बनना था। और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की, और लोग मेरी अपनी पार्टी में भी कई लोग घबरा गए कि एकदम ये हो रहा है, और अगर फैल गया, हमारे हॉस्पिटल से प्रेशर पड़ गया। लेकिन मेरा ये ईमान है, हमने फैसला किया, और बड़ा मुश्किल फैसला किया, कि हम जो भी हो जाए हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। और उसकी वजह से मेरा यह मानना है कि अल्लाह ने
उसकी बरकत आई हमारे ऊपर, उसने बचा लिया हमें, हमने अपने। और फिर ये सुने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि वो मुल्क है जिसने अपनी बेहतरीन तौर पे अपनी इकोनॉमी बचाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि कोरोना से इन्होंने सबसे बेहतर तरीके से उसको उन्होंने हैंडल किया। और फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया में तीन मुल्कों में से है जिसने अपनी इकोनॉमी भी और कोरोना को भी हैंडल किया। इधर मैं फिर अपनी टीम को, क्योंकि अगर हम गलत फैसला कर लेते, मैं आज आपको बताऊं, यहां लोगों ने भूखे मरना था, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की गुर्बत आई है, जिस तरह को उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और जिस तरह मुझे पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले कह रहे थे, मिसालें दे रहे थे हिंदुस्तान की, तो आज हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की गुर्बत थी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर कोरोना के अंदर गरीब पिस गया। लॉकडाउन सबसे ज्यादा तबाही मचाता है गरीब को। तो उसमें मैं अपनी जो टीम थी मेरी एनसीओसी की, असद उमर और डॉक्टर फैसल, मैं खास तौर पे आपको खराज तहसीन आज पेश करना चाहता हूं कि बड़े हमारे अच्छे फैसले हुए और अल्लाह ने हमें वहां से निकाला। अच्छा, मैं जरा आपको सिर्फ 3 साल की हमने अपनी परफॉर्मेंस बतानी थी, तो मैं जरा सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी जो हम जब आए थे तो तकरीबन $20 अरब का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद $20 अरब से 1.8 अरब पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के 16.4 अरब था, और आज माशाल्लाह हमारे $27 अरब पर रिजर्व चले गए हैं। हमारे जो टैक्स कलेक्शन थी, यानी कि देखें, जब एक घर में मसलन एक घर जब मकरूज हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं और अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ती है। और तो कोई तरीका, जब से अल्लाह ने दुनिया ईजाद की है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसमें से निकलने का। तो जब आप खर्चे कम करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। एक घर देख लेना, घर में आप खर्चे कम करेंगे तो लोग अपना खाना पीना कम करेंगे, मुर्गी से दाल रोटी पे आ जाएंगे, और बच्चों को अच्छे से स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि आपको मुश्किल वक्त से तो गुजरना पड़ता है। हर घर को जब ये एक घर मकरूज हो जाता है उसको ये करना पड़ता है, तो तब घर वालों को तकलीफ होती है। तो वो बड़ी तकलीफ से हमारे लोग गुजरे, और मैं ये भी अल्लाह का शुक्र करता हूं कि बड़ी माशाल्लाह हमारी एक दिलेर कौम है, हम उससे बड़े सब्र से निकले। तो